आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एड्रेसिंग मोड्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन। सो फर्स्ट वन जो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी इमीडिएट एड्रेसिंग, इसमें दो चीज का ख्याल आप रखेंगे। पहला पॉइंट तो मैंने ये कहा कि ये वो टाइप ऑफ एड्रेसिंग है जहां पे आपका ऑपरेंड क्या आएगा, सीधे इंस्ट्रक्शन के साथ ही, या मैं दूसरी टर्म में कहूँ ऑप कोड के बिल्कुल साथ, क्योंकि एमओवी ए एक ऑप कोड जनरेट करेगा। इफ आई रिमेंबर 09 शायद इसका ऑप कोड होता था, देन 09 के बाद होगा 25। सो दिस टाइप ऑफ एड्रेसिंग इज इमीडिएट एड्रेसिंग। यहां पे ध्यान रखिएगा हैश साइन जरूरी है इमीडिएट एड्रेसिंग में। सो दिस इज वन पिक्यूलर डिफरेंस, क्योंकि आगे जाके जब आप डायरेक्ट एड्रेसिंग पढ़ेंगे वहां पे सिर्फ एक डिफरेंस होगी, हैश यहां पे नहीं होगा, हैश नहीं होगा। तो मैं आपको जो कि बार बार बताता आया हूं कि अगर हैश नहीं होगा ये लेगा इसको एज एड्रेस, लेकिन वो एक बाज़ाब्ता एड्रेसिंग मोड है। इस बात को बस समझिए एड्रेसिंग मोड है क्या। एड्रेसिंग मोड इज एक्चुअली दिस थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू टेल द माइक्रो कंट्रोलर कि आपका ऑपरेंड कहां पे। When the operand is in the instruction itself, it is immediate addressing. क्योंकि instruction को या microcontroller को operand से मतलब है। Operand जहाँ पे होगा, वहाँ पे इसको पहुँचना है। Immediate addressing में वहीं पे operand। Examples ये आप लिख सकते हैं। Examples लिखी है आपने? देखिए, हालांकि DPTR तो एक DPTR का full form क्या है? DPTR एक 16-bit register है। लेकिन इसमें भी आप इमीडिएटली डेटा डाल सकते हैं क्योंकि जो आपका ऑपरेंड है वो वहीं पे। नाउ अनदर मोड इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। इससे पहले ही मैंने कहा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड इज, आपको सवाल बस ये पूछना है कि ऑपरेंड कहां पे है। ऑपरेंड जहां पे है वो रजिस्टर यहां बताया गया है, जैसे एमओवी ए कॉमा आर जीरो, इसका मतलब क्या है, आर जीरो में जो वैल्यू है या ऑपरेंड है वो किस में डालो, ए में। तो आपका जो ऑपरेंड था जिसपे ऑपरेशन करना वो किधर है, वो किधर है, रजिस्टर में या आर जीरो के अंदर। तो इसीलिए इसको कहते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग कि आप ऑपरेंड का एड्रेस बता रहे हैं बाय द नेम ऑफ द रजिस्टर। ये इसी तरह है, सपोज मैं आपका नाम पूछूं किसी का, मे बी समवन नोज योर मदर वेल, सो ये बोलेंगे ये इसका बेटा है। And someone knows your father well, तो वो बोलेंगे जी ये इसका बेटा है, father का नाम, ठीक? So the name by which you are identified defines you. Likewise, the way we relate to this operand tells us the name, किसका नाम क्या है। Since यहाँ पे register हमने use किया तो register addressing. So register addressing mode involves the use of the registers to hold the data to be manipulated, executed or whatever we want to do with the data. Examples कुछ ये है। लेकिन इट शुड बी नोटेड दैट द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन रजिस्टर्स मस्ट मैच इन साइज। इट्स ऑब्वियस अगर आप यहां से 8-bit रजिस्टर ले रहे हैं तो यहां से भी 8-bit होना चाहिए। इट शुड नॉट बी आप एक 16-bit लेंगे एक 8-bit लेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो ऑल दीज आर रजिस्टर्स एंड दिस इज, कहीं पे आपको ऑपरेंड दिख रहा है कोई हैश वैश नंबर नंबर कुछ नहीं दिख रहा है, जस्ट रजिस्टर्स। थर्ड इज नाउ डायरेक्ट एड्रेसिंग। डायरेक्ट एड्रेसिंग में हमें क्या करना है, सीधा जो एड्रेस है वही देंगे। नाउ दिस रिलेट्स समवट विद योर इमीडिएट एड्रेसिंग, बस एक फर्क है कि ये हैश साइन न लगाने से इसका मतलब आप माइक्रोसॉफ्ट बता रहे हैं ये एड्रेस है, जो ऑप कोड के बाद जो टर्म है वो एक एड्रेस है, ठीक वो एक एड्रेस है। So now in direct addressing mode the data is in the RAM memory location whose address is known to us. जिस तरह अभी P 1.0 का address क्या था जो आपने पीछे लिखा, कहाँ लिखा, ये इसका address क्या था, ना बेटा इसका address कहाँ लिखा आपने, पहले कुछ लिखा छोड़ो। Anyway, उसका एड्रेस क्या था जरा बताओ, जो मैंने पहला प्रोग्राम को दिखाया ना अभी, तो P1.3 का एड्रेस क्या था, 1.3 का 83 83 या 84 है, इससे मतलब नहीं है। बात ये है कि आपको इमीडिएटली वही एड्रेस यूज करना है, कोई मिनेमोनिक कोड या कोई इनडायरेक्ट रजिस्टर यूज नहीं करना है। सो दिस वुड मीन दैट यू आर डायरेक्टली
वही बात है, ये किस, ये इसका बेटा है, ये हमीद साहब का बेटा है। सो लाइक वाइज डायरेक्टली आप एड्रेस दे रहे हैं, तो इसीलिए इसका नाम आएगा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। सो व्हाट हैपेंस हियर, द हैश साइन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द टू एड्रेसिंग मोड्स। यहां पे MOVR0 कॉमा हैश 40 अगर होता तो ये कौन सा मोड बन जाता? इमीडिएट एड्रेसिंग, राइट। अब हैश नहीं है तो ये कौन सा मोड बन गया? Likewise here also MOV56HA, हालांकि accumulator इस time right में है, but उससे मतलब नहीं है, मतलब accumulator से आप data दे रहे हो, किसी address में डाल रहे हो, तो आप address चाहे यहाँ से हो या यहाँ से हो, उससे मतलब उससे फर्क नहीं है। एक मिनट, let's first continue all the then we can do it. So यहाँ पे आपका एड्रेस है, भले एड्रेस एड्रेस राइट में है लेफ्ट में, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। इट कैन आल्सो हैपन दोनों साइड से एड्रेस है। सो दिस इज हाउ यू डील और दिस इज हाउ यू डायरेक्ट योर माइक्रो कंट्रोलर बाय यूजिंग डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। नाउ दीज आर सम ऑफ द एड्रेसेस ऑफ डिफरेंट रजिस्टर्स दैट वी हैव। एसटूक मींस बिट एड्रेसेबल रजिस्टर, ये है। I just wanted to keep it there, like you have accumulator we know, register B we know, program status word we know, stack pointer पता है, data pointer पता है, data pointer की upper, lower nibble और upper nibble, this is what it means, port 0, start with 80H, port 1, 90, port 2, 0A0 and obviously जो consequent bits होगी वो इससे, like if port 0 is 80H, port 0.0 0.1 will be 81H, मतलब वो तो आप बढ़ा लेंगे, मतलब ये starting जो है यहाँ से। So please keep this in mind and you can, अच्छा आगे जाके ये भी आपने नहीं पढ़ी, ये तो ports हो गया, आगे जाके हमें इन चीजों को पढ़ना है, interrupt priority control register, interrupt priority control होती है, there is something called as interrupts in microcontroller, इंटरप्ट यूज होते हैं किसी भी प्रोग्राम को हॉल्ट करके नया कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना, लाइक फॉर एग्जांपल कभी हम ट्रैफिक सिग्नल में होते हैं, अचानक कोई वीआईपी आ जाता है, सबको रोक दिया जाता है, इसको जाने दो। लाइक इन माइक्रो कंट्रोलर यू हैव सर्टेन ओकेजंस वेयर यू आर एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम बट यू हैव टू स्टॉप दैट इन अ वे एंड लेट अनदर प्रोग्राम और डू इट्स जॉब, व्हाटएवर इट कैन बी, फॉर दैट वी यूज इंटरप्ट्स। दिस विल बी अ सेपरेट टॉपिक एनीवे, बट इंटरप्ट एनेबल कंट्रोल इस तरह टाइमर एंड कंट्रोल mode register and then you have tcon, tmod, tcon b important registers जो हमें timers और counters को control करने में मदद करते हैं, ये आगे हम जरूर देखेंगे। So in 8051 family only direct addressing mode is allowed for pushing, इस तरह stacks में, ये important point है इस case के लिए कि stacks में जब आप stack use करते हैं, stack में आप direct addressing ही use करते हैं, तो अगर याद आ से अर्शी सुधीर खान push 0E है, या इस तरह pop ले लिया, अगर आपको याद होगा push 03 means क्या, push 03 means R3 का value stack से push कर दो, right? So R3 होना चाहिए था ना यहाँ पे push R3, लेकिन 03 क्यों है? अब आपको शायद समझ आया कि ये direct addressing को support करता है, push और pop direct addressing को support कर रहा है, इसीलिए R3 के बजाय 03 है, समझ आया? कहाँ आया तुम्हें समझ? इतना स्ट्रेस ले रहे हो, इधर इतना स्ट्रेस लेने वाली बात ही नहीं, इसी के मतलब एक तुम्हें समझ नहीं आया। सो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड मस्ट बी यूज्ड फॉर पॉप इंस्ट्रक्शन एज वेल एंड दिस इज द एग्जांपल, पॉप 04 विल पॉप द टॉप ऑफ द स्टैक इनटू रजिस्टर R4। नाउ द फोर्थ वन, ये फोर्थ वन है कि थर्ड वन? फोर्थ है कि थर्ड है? सर तीसरा है, फोर्थ होगा, दिमाग में जोर दो, इमीडिएट रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, कि अब जो जहां पे ऑपरेंड है उसका एड्रेस रजिस्टर पेयर में है, पहले रजिस्टर पेयर पे जाना है, फिर रजिस्टर पेयर पे एड्रेस है, पूरे उस एड्रेस पे ऑपरेंड है, सो दैट्स व्हाई रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग काफी लंबा रास्ता है। सो इन द इन दिस टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड इन रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, a register is used as a pointer, very good, to see me aapne padha hua pointer, a register is used as a pointer to the address where the operand is stored, I will repeat, a register is used as a pointer to the address
where the operand is stored. But for this purpose, registers are only R0 and R1 will be used, and R2 to R7 cannot be used to hold the address of the operand in RAM. So, but one important point is that we have to use at the rate sign as shown in the examples. What you're trying to say here is MOV A comma at the rate R0. If I remove this R at the rate, this becomes register addressing. Iska matlab R0 mein operand tha. Ye wahi baat hai. Hash laga ke aur hash ke bagair. Hash lagaya kis cheez pe, wo kya ban gaya? वो क्या बन गया? आप बोलो और इंजिट नहीं बन गया. मैंने पूछा वो क्या बन गया, आप दिमाग से जवाब दो. अगर हैश साइन है किसी नंबर के साथ, वो नंबर क्या है ये बताओ. वो नंबर क्या है? वो नंबर डेटा है, वो कोई ऑपरेंड है. इसी तरह अगर एट द रेट यहाँ पे है, इसका मतलब आर जीरो में इस टाइम ऑपरेंड नहीं है, आर जीरो में एड्रेस है. बिकॉज सी में भी हम पॉइंटर के लिए एट द रेट ही यूज करते हैं, फिर रिमेंबर करेंगे. So R0 acts as a pointer. Please समझो क्या आ रहा है. फिर आप तो डिस्कशन कर रहे हो. Anyways, R0 जो है हमारा इस टाइम उसमें ऑपरेंड नहीं है बल्कि एड्रेस है. ये समझ आया ना आपको? ठीक है. जिसको नहीं आ रहा है समझ, प्लीज टेल मी. दैट्स व्हाई आई एम इंटरप्टिंग, बिकॉज ये काफी सिंपल है एंड काफी इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए आगे जाने के लिए. Likewise, MOV at the rate R1 comma B. इससे क्या होगा? इस instruction से आप बताओ. इस instruction से क्या होगा? एक मिनट खड़े हो जाओ बेटा, खड़े होके बोलो. इस instruction से क्या होगा? Just give it a try. Right or wrong doesn't matter. Give it a try. Or tell me I don't know it. You don't know it? हाँ बेटा जरा आप बताओ. आप क्या कर रहे हो तब से फिर वहां पे? आपके लिए ऑप्शन नहीं है. आई डोंट नो, यू कांट, यू कांट टेल मी दिस. आई डोंट नो बिकॉज़ यू हैव बीन देयर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्लास. ही इज अ गेस्ट, ही केम फ्यू डेज बैक. राइट, सिट डाउन प्लीज. आप बताएं बच्चे, ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा? सर बी में डाटा होगा वो आर1 में ट्रांसफर. अच्छा बात कड़ाई, बी1 में जो डाटा होगा वो उस एड्रेस पे भेजेगा जो आर1 में है. आपने कहा बी में जो डेटा होगा वो आर1 में जाएगा, नहीं कहा ना आपने? लेकिन ये गलत आंसर है ना. बी में जो डेटा है वो उस एड्रेस में जाएगा जो आर1 में है. बिकॉज R1 में अगर इस टाइम 0E होगा वो एक ऑपरेंड नहीं है बेटा, वो एक एड्रेस. ठीक है, she got correct now. So next point, तो आपको समझ आ रहा है कुछ के बाद? आपने असल में बोला ना, हाँ मुझे लग रहा है ना, मुझे लग रहा है. What the advantages of register indirect addressing mode is that it makes existing data dynamic. इससे आपका जो डेटा का एसएस है वो डायनेमिक बन जाता है, दैट आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू या एड्रेस नहीं दे रहे हो. यहाँ पे आप एक रजिस्टर दे रहे हो, आपको उसमें कोई और वैल्यू डाल देना, जहां जहां पे वो रजिस्टर यूज होगा वो खुद सब जगह चेंज. डायनेमिक का मतलब यही होता है कि आपने R0 में वैल्यू चेंज कर दिया, वो हर जगह जहां जहां R1 है वो खुद ऑब्वियसली इफेक्ट करेगा उसका. वरना अगर आप पर्टिकुलर वैल्यू लेते हैं किसी चीज का, वो आपको हर बार चेंज करना पड़ेगा. ओके, now the last one which is indirect address, index address. Sorry, index addressing bhi kaafi simple hai. I will request you to go through the lines first, then I can try to explain. So, इसका जो फॉर्मेट होगा इंडेक्स एड्रेसिंग का वो हमेशा ये रहेगा,
that we use DPTR and A register are used to form the address of the data element. मतलब इन दोनों का जो add करके जो आएगा वो address होगा. उसमें फायदा क्या है जरा आप सोचो. मतलब what is the purpose of adding and then इससे क्या फायदा है? शाबाश. क्या बोलो बोलो. एनीथिंग कम ऑन बोलो. चलो मैं नहीं मानूंगा बोलो. बड़ा एड्रेस अगर होगा दिस इज व्हाट समवन ओके कुछ और आंसर. हमें क्या जरूरत है इतना मैग्नेट पावर स्पंज की एक्सचेंज जरूरत. अगर ये सिंपल एड्रेस को व्हाई आर आई यूजिंग एडिशन ऑफ टू थिंग्स देन ऐड द रेट आल्सो. देखिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लुकअप टेबल्स यू नो एंड दिस इज हाउ मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर्क इन इलेक्ट्रॉनिक्स. अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आगे जाके कुछ टॉपिक ऐसा आता है उसको हम कहते हैं FPGA प्रोग्रामिंग. FPGA फील्ड प्रोग्रामिंग गेट एरे. दैट इज यू कैन से इन अ वे आप एक प्रोसेसर यूज कर सकते हो उसको. उसमें एक प्रोसेसर चिप होती है लेकिन दैट इज अगेन समथिंग विच इज रिलेटेड टू योर फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. कोई भी डिसीजन अगर आपको करना है ना या कोई भी चीज़ इवेल्युएट करनी है सपोज फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू फाइंड स्क्वायर ऑफ अ नंबर. ठीक. अब ये आपका जो प्रोसेसर है ये कैलकुलेटर नहीं है लेकिन इसके पास लुकअप टेबल्स का ऑप्शन होता है. क्या मतलब? आप कोई एक पर्टिकुलर साइन रखोगे. अगर आपको से फॉर एग्जांपल 2 का स्क्वायर ढूंढना है. ठीक. आप ऑलरेडी मेमोरी में पहले 2 का स्टोर स्क्वायर सेव करते हैं किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे. व्हाट आई मीन टू से इज सपोज आपने 302 एड्रेस पे 2 का स्क्वायर सेव किया है. आप 3 का स्क्वायर है आपने 303 पे 3 का स्क्वायर सेव किया है. अब 4 का स्क्वायर है वो आपने 304 पे सेव किया. जरा इसको लिखिए जरा. 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर सेव है एड्रेस 302 पे. ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं टेबल की फॉर्म में लिखिए. यहां पे लिखिए 2 स्क्वायर सेव्ड एट 2302 और 302 as you like. Let's keep it 302. 2 का स्क्वायर लेफ्ट साइड में आप एक टेबल बनाइए. लेफ्ट साइड में 2 का स्क्वायर लिखिए. 2 का स्क्वायर सेव्ड एट 3002 ओके. 3 का स्क्वायर सेव्ड एट 3003. 4 का स्क्वायर सेव्ड एट 3004. Now what is happening is that you have a link. Now stop. You can stop there or you can just go up to 4 or 5. Now, if you can identify, you have a link between your operand, या जो number आपको operate करना है, and the address. What is the link? The last bit relates to the operand. So, I can tell, I can load 1 in my, or I can load 2 in my accumulator. If I ask, talk about this. And I can load 3000 in my DPTR. अब अगर मुझे एक्यूमुलेटर में डालना है इस टाइम 2 का स्क्वायर तो मैं यूज करूंगा MOVC A, 2 plus 3000. वो कौन सा डेटा रिट्रीव करके लाएगा जो 3002 पे स्टोर है. और आपने क्या स्टोर किया वहां पे 2 का स्क्वायर. यू गेट माय पॉइंट. अब मुझे एक्यूमुलेटर में चाहिए 4 का स्क्वायर. मैं एक्यूमुलेटर में 4 डालूंगा पहले फिर कहूंगा MOVC. मतलब अब एक्यूमुलेटर में डालो प्रीवियस वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर जो कि 4 मैंने कहा है इसको 4 plus 3000. तो वो कौन सा डेटा रिट्रीव करके लाएगा 3004 पे जो 4 का स्क्वायर. आपको याद है दिस इज समथिंग कॉल्ड एज लुकअप टेबल्स को कहते हैं. क्या हम ऑलरेडी प्री डिफाइंड मेमोरी लोकेशंस पे कोई डेटा सेव करते हैं उसको फिर अपने ऑपरेंड या ऑपरेटर से रिलेट करते हैं. ठीक. सो देन दैट कैन बी रिट्रीव्ड बाय द माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर. वी फील समथिंग इज रियली हैपनिंग ये इवैल्यूएट करके दे रहा है. वो इवैल्यूएट करके नहीं वो प्री डिफाइंड प्री स्टोर्ड वैल्यूज होते हैं. ठीक. अच्छा बिकॉज द डेटा एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन द प्रोग्राम कोड स्पेस रोम दिस इंस्ट्रक्शन यूजेस MOVC इंसटेड ऑफ MOV. तो ये एक डिफरेंस है MOVC इज यूज्ड इंसटेड ऑफ MOV. ठीक. The lookup tables, ये वही बात है. Lookup tables are widely used in microprocessor programming. It allows access to elements of a frequently used table with minimum operations. कि आपको evaluate, operate नहीं करना पड़ता है. अगर आप suppose 100 बार कोई चीज add करनी है, maybe आप predefined value store करेंगे, उसको retrieve करेंगे.
सो वी कैन यूज कहां पे यूज आता है वी कैन यूज लुकअप टेबल्स इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग इफ वी वांट टू कैलकुलेट रादर देन कैलकुलेटिंग वी जस्ट यूज अ लुकअप टेबल सो दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रोग्राम्स दैट डज द सेम जॉब जो आपने अभी खुद किया जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए क्या हो रहा है इसमें क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू गेट द एक्स वैल्यू फ्रॉम पी वन एंड सेंड एक्स स्क्वायर टू पी टू आप ऑपरेंड ले रहे हैं पी वन से जो कि यूजर देगा और उसका ऑपरेटेड रिजल्ट भेज रहे कहां पे पी टू पे समझिए जरा इसको जिसको समझ नहीं आया रेज योर हैंड प्लीज वाला काम है ये आपने पहले ही किया है ये आपने स्टोर किया है अपनी मेमोरी में 300 से शुरू करके पहले 300 पे आप जीरो स्टोर कर रहे हो 301 पे 1 2 पे 4 3 पे 9 4 पे 16 5 पे 25 तो ये इन मेमोरी लोकेशन से आप पहले ही ये नंबर स्टोर कर रहे हो फिर ऊपर जो है प्रोग्राम यहां से एग्जीक्यूट होना शुरू होगा ओरिजिन उसका जीरो से शुरू है डेटा पॉइंटर में आपने 300 डाला इसलिए बिकॉज आपका वो वाला प्रोग्राम जो वो स्टोर्ड है 300 से ही या 301 234 जाएगा अच्छा एक्यूमुलेटर में आप FF डाल रहे हैं क्या मुझे आप बताएंगे क्यों आप बताइए जरा क्यों नाम इसने FF डाल रहे हैं एक्यूमुलेटर में या पी वन में फिर एक्यूमुलेटर इससे हम क्या करते हैं क्यों आपके पी वन से जो आप डेटा आएगा वो आप कहां दे दोगे आपके एक्यूमुलेटर में ठीक है इसका मतलब इसका भी कोई स्टैंडर्ड बैठा ही होगा दैट्स व्हाई ये प्रॉब्लम कर रहा है एनीवेज सो अब यहां से आपने P1 से वैल्यू ले लिया सपोज आपने P1 से दिया इसको 5 क्या दिया 5 P1 से 5 लिया इसने वो किस में डाला एक्यूमुलेटर अब ये कह रहा है ये इंस्ट्रक्शन MOVC A कि इस वक्त एक्यूमुलेटर में आप वो वाला वैल्यू डालो जो A प्लस DPTR जरा ये A कितना है इस टाइम 5 है ना DPTR कितना है 300 तो 305 पे क्या स्टोर है 0 1 2 3 4 5 पे स्टोर है 25 कहां जाएगा एक्यूमुलेटर सो आपने P1 से 5 दिया उसकी वजह से एक्यूमुलेटर में 25 आ गया अब लेकिन ये आपको कहां भेजना है ये आपको कहां भेजना है P2 की तरफ तो इंस्ट्रक्शन है वो भी P2 का माए सो सेंड द वैल्यू ऑफ योर एक्यूमुलेटर टू P2 ये बाय द वे किस एड्रेसिंग से रिलेट हो रहा है आप बताइए किस टाइप ऑफ एड्रेसिंग से रिलेट हो रहा है या कौन सी टाइप ऑफ एड्रेसिंग हम यूज कर रहे हैं यहां पे हमने जो पढ़ी क्या इमीडिएटली डायरेक्टली नहीं हमने एड्रेस मत दिया इसके एड्रेस बोझ नहीं मालूम मुझे फिर कौन सा है आप अपने दिमाग से बताइए कैसे पता रजिस्टर आपको क्योंकि दोनों जो है कोई नाम है या रजिस्टर्स तो दिस रिलेट्स टू रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हमने ना ही कोई नंबर दिया वहां पे ना ही कोई एड्रेस दिया ना ही कोई ऐसा रजिस्टर दिया जहां पे एड्रेस है ये दोनों रजिस्टर आपस में ट्रांसफर कर रहे हैं दिस इज आ गया अब आपको समझो आपका सवाल रजिस्टर एड्रेस सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ ऑल दैट वी विल स्टॉप विद दिस ऑब्वियसली बट दिस इज द कंक्लूजन ऑफ एवरीथिंग दैट वी हैव डन सो फार इमीडिएट एड्रेसिंग मोड प्रोवाइड्स डायरेक्टली ऑपरेंड्स द डेटा इज प्रोवाइडेड डायरेक्टली इन द इंस्ट्रक्शन These are some of the examples, some more examples. You have 8-bit example, you have 16-bit example. The register addressing will use two registers. No, there is some error. Anyways, now, register indirect addressing uses two registers to store the address and so on.
Index addressing not commonly used in 8051 environment, but it involves using indexing register DPTR for external location. So next we are starting in the next class, hopefully. How much time is left as of now? अभी बहुत टाइम है बस एक मिनट तो स्टार्ट तो करने दो हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट जो नेक्स्ट हमें करना है स्टार्ट दैट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस अरिथमेटिक हैज ऑलरेडी बीन डन वी हैव डेल्ट विद ऐड सब एंड मल्ट राइट दे ऑल आर व्हिच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन अरिथमेटिक सो देयर विल बी सम लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस एंड विद दैट वी विल नाउ डाइव इनटू द एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग बिकॉज़ जब आपको मैनिपुलेट करना आया कि ये पोर्ट से एक्यूमुलेटर में एक्यूमुलेटर से पोर्ट पे ये आया आपको प्लस आपको इंस्ट्रक्शन अरिथमेटिक्स भी आ गए कैसे ऑपरेट करना है एंड देन व्हेन यू लर्न द लॉजिकल इंस्ट्रक्शन दैट इज एनफ टू मेक अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU बनाने के लिए इतनी प्रोग्रामिंग सीखना काफी है एज इंस्ट्रक्शन क्योंकि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट यही करता है दैट इट मे बी रिसीव सम डेटा फ्रॉम सम साइड सेंड इट टू सम साइड And जो operations internally करता है वो करता है या तो arithmetic या तो logical. So there is something called as ALU. ठीक है? That we will take in the next class. So we will stop here today.